सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन। और भाई भोलेनाथ के लाडले की एल्बम आ गई है, यानी हमारे जो इक्का पाजी है भाई, उनकी एल्बम आउट हो चुकी है। और आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि उनकी थर्ड स्टूडियो एल्बम है OLGR, ओनली लव गेट्स रिप्लाई। और इस एल्बम में टोटल 11 गाने जिसके ऊपर आज हम फुल एल्बम रिएक्शन वीडियो करने बैठे हैं। एंड भाई टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो, पता नहीं क्या सीन था क्या नहीं था कि भाई इस बार इक्का पाजी की एल्बम की बिल्कुल भी हाइप नहीं है। जो कि उनके फैन है या सपोर्टर्स है, सिर्फ उन्हें ही पता है। मतलब जैसे होता है ना कि किसी बड़े आर्टिस्ट की, एक मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट की भाई एल्बम आ रही है तो सब जगह हाइप। यार पता नहीं, मेरे को लग रहा है इसके पीछे थोड़ा सा टी सीरीज का हाथ है, बाकी मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। क्योंकि होता है यार कभी कभी ना, कोई मैनेजमेंट जो है ना थोड़ी सी हाइप जो है डेड कर देती है, या फिर वो, या तो फिर इस एल्बम की काफ़ी टाइम से हाइप चल रही थी। नहीं यार, काफ़ी हाइप अभी जैसे MC Stan की भी हाइप चल रही है उनकी एल्बम की, क्या ऑन द वे बट आने वाली, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी यार ये सारी चीज़ हम साइड में रखते हैं। गानों भाई, जिनमें से चार गाने हमें ऑलरेडी सुनने को मिल गए, उर्वशी, जगत जट, लाडला और करण ओजला पाजी के साथ, क्या नाम था, हाउस ऑफ लाइज आई थिंक, ठीक है। तो ये वाले गाने में देखने को मिल गए, जिनके ऊपर भी आज हम रिएक्शन कर लेंगे, देख लेंगे, नज़र मार लेंगे। तो भाई रेडी हो जाओ, वीडियो लंबी होने वाली है, आराम से सबर के साथ रिएक्शन वीडियो करेंगे, हेडफोन्स वगैरह पहन लेते हैं। एंड भाई आई एम सॉरी कि मैं लेट हूँ, क्योंकि हाँ मेरे को भी नहीं पता था यार कि एल्बम वगैरह इतनी जल्दी आएगी और दिन में आएगी, पता नहीं क्या सीन क्या नहीं भाई। बट कोई नहीं भाई, देर आए दुरुस्त, अब हम करेंगे इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो। और भाई हमने सारी चीज़ें खोल लिया जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और जो जो पहले ही गाना है वो है टाइटल ट्रैक OLGR का विजुअलाइजर, और सारे ना विजुअलाइजर में आए और जो म्यूज़िक वीडियो आई थी वो आ चुकी, ठीक है। तो सीधा चलते हैं भाई अपना रिएक्शन वीडियो पे, पहले ट्रैक का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। व्हेन आई वाज देयर आई सॉ एवरीवन रिजॉइसिंग, ओके, म्यूजिक वाज लाउड एंड द अर्थ डांस्ड अलोंग। I saw happiness on their faces, and the environment was electrifying. They were all mesmerized, leaving the sorrows behind. Just listen, background score. Hate? It was nowhere to be found, as they were set free. They waited for this long, and it was meant to be. Their eyes sparked and glowed with the sight of fireworks brightening up the dark sky. Music flowed through all, and they felt connected as one. Music is love, and only love gets reply. Ah, vibe. हाँ ओल्ड स्कूल भाई, प्रॉपर ओल्ड स्कूल बॉलीवुड में जैसा म्यूजिक सुनते थे वो वाला म्यूजिक। ऑफ कोर्स सीन, भाई क्या क्या ही क्रेजी साउंड है भाई, संजोय भाई लेट्स गो, मैं फट गया भाई। मतलब डैम भाई, चलते अपने दूसरे ट्रैक की तरफ जो था उर्वशी। यार वैसी उर्वशी ना मैंने बहुत बार सुन रखा, बहुत बार, बट पता नहीं मैं चैनल पे यार मैंने रिएक्शन किया था उसकी रिएक्शन वीडियो को, मैं तो आपको तो दिखेगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा भाई इस पर भी रिएक्शन करते हैं। तो उर्वशी का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। यार इसका रिएक्शन किया था बट चैनल से गया कहाँ। बम्बई वाला जब कमर को तूने उछाला, लगे पाला
नजर तीखी बातें शुगर बदन गरम मसाला मेरे मित्र ने पहनी जो आइस पूरे एक को की माला रावस है दूर से देखो बस भाई मतलब भाई मैं ना आज अपने जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। इसका एक ही रीज़न है क्योंकि इक्का पाजी की एल्बम है और इक्का पाजी इज़ माई आइडल, और जब मैं सुनता हूँ ना भाई इक्का पाजी को तब मैं एक अलग एनर्जी पे होता हूँ, एक अलग बूस्ट पे होता हूँ भाई। भाई आ गया पूरी एल्बम दूर से देखो बसाफत है क्रीज से आकर बनाई मूर्ति कार ने ऐसी बनावट है ऐसे तराशा संगमरमर कोना कोना कयामत है हाथ लगाने से हो जाती मैली यौवन को रखा सलामत है दिल्ली की मोनालिसा लतारा ने खींचा शीशा गिरे पसीना गैसोलीना आसक्ति लगी है कोकाइना ये जवानी फैंटेसी स्टैनी और इकाए बीट पे तो ये उर्वशी नाचेगी पूरी रात न चालो एक पल नहीं हाफेगी माल मनाली का फूके एक बार निखासेगी नजर है अंदर का जाल जिसपे भी डाला वो बंदा फसा लेगी कपड़ों पे लिखा मेरी लाइफ मेरी वाला हबीबी वो मेरी बनना चाहती है बीबी उर्वशी टेक इट इजी 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 कपड़ों पे लिखा मेरी उर्वशी खा ले मिरेली वो किसको भी भाव नहीं देती उर्वशी टेक इट इजी 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 लुक मैंने बोला आई लाइक यू उसने बोली आई लव यू यो बेबी आई डोंट ट्रस्ट यू खुद को बोलूं स्टैंड बाय थैंक यू मैं हबीबी बना था जिंदगी उसके चक्कर में कर लूं मैं खुदकुशी मेरे को आदत है बोलने की उड़ने की देखो माल में उर्वशी सुनने की उसकी दोस्त भी बोलती मेरे को पसंद है स्टैंड मैं सब इग्नोर करता चीजें लेकिन करती वो ब्लेम मैंने कट्टी देता पप्पी एड़े मेरे फैंस मैंने पीता दारू लेकिन हरामी मैं बिना पूजा करने लगा पारे तेरी फैमिली भी सुनते मेरे गाने मेरे को टिका भाई ने बोले सैनी जान दे नहीं तो सबको मालूम मैं डालता रहा चॉपर मेरे शूटर्स को मालूम तू कहाँ पे उसको छोड़ा मैंने बन गए वो शॉटर ए ओवर द मन शूट अप लगा पे तेरे बुड्ढे को लग रही हेलीकॉप्टर तेरे बुड्ढे को नहीं मालूम कहाँ पे यार एक तो इस म्यूजिक वीडियो में मॉडल्स जाना शीश वो लड़की को कीमत है मेरी उसको मालूम है दुनिया मेरे हाथ में यार इस फ्रेम में जो इक्का पाजी का लुक है ना ये मेरे इस वीडियो का फेवरेट लुक है ट्रस्ट ये वाला ये भाई डैम कपड़ों पे लिखा मेरी लाइफ मेरी वाला हबीबी वो मेरे बनना चाहती है बीबी उर्वशी टेक इट इजी 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 कपड़ों पे लिखा मेरी लाइफ मेरी वाला हबीबी उर्वशी टेक इट इजी उर्वशी टेक इट इजी स्पेशल शाउट आउट टू द लेजेंड ए आर रहमान लेट्स गो क्योंकि हम सबको पता भाई उर्वशी किसका गाना ठीक है एंड भाई अपना सेकंड ट्रैक होता है फिलहाल के लिए ख़त्म और अब बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ जिस ट्रैक का नाम है लाडला एंड इस गाने का भी रिएक्शन वीडियो करा था बट वीडियो गुम है आई डोंट नो वाई पता नहीं भाई क्या ही हो रहा है ठीक है और चलो भाई इसका भी रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं राइट नाउ अगर होगा चैनल पर तो ढूंढ लेना यार यार इस गाने की ना अलग है यहाँ पे जगह यहाँ पे अलग है भाई बदार यार भूरी नार लंबी कार सुना चर्चा तो होगा जी यार की ढाट का जीवन को छोरा बेफिक्री में काटे है गा लाडला भगत बड़ा भोलेनाथ का 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 अखिया की तलवार मेरे कालजे को छोले है खांड खा के जामी दी जो इतना मीठा बोले है गोरे गोरे गात वे है जच्चे सूट काला छोरी गच्च तेरा टोरा खूबसूरती के रोले है छोरी अनुरक्षा चित्रानी ये वाला जो स्लैंग है ना
ये वाला जो स्लैंग है छोरी गच्चे वाला भाई, ये दिल्ली स्लैंग। सी बना के सुन बैरन मैं छोरा सुवे उस गांव का, जीवन को छोरा बेफिक्री में काटे हैगा, लाडला भगत बड़ा भोलेनाथ का, 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 लाडला भगत बड़ा भोलेनाथ का। ना डर लागे बैरी का ना किसे हथियारा का, फैन सु मैं भोले का एक जिगरी में यारा का, कौन करे रीस छोरी मेरे सादे बाने की, या फेवरेट तेरे फेवरेट कलाकार का, थोड़ा जमा फालतू के काम में ना पड़े, मौज करे नाम जपे वो तो महाकाल का, जीवन को छोरा। यार इक्का पाजी का जो ऑरा है ना, जो एक सिनेरियो है जहाँ पे वो प्रेजेंट रहते हैं, या फिर चाहे म्यूजिक वीडियो बात करें, वो ऑरा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है यार। और पता बहुत कम आर्टिस्टों के अंदर ये बात होती है कि जहाँ पर वो बंदा अवेलेबल है वहाँ का सीन ही वो थोड़ा पलट के रख दे, समझ रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी ऐसी पर्सनैलिटी बन जाए, या मैं एक ऐसा क्रिएचर बन जाऊँ कि जहाँ पे मैं जाऊँ वहाँ पे महफिल बन जाए, सारे खुश हों, या फिर बहुत यार मैं इवन आई कांट एक्सप्लेन कि मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, लेकिन इक्का पाजी का ऑरा ना बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है, चाहे वो म्यूजिक वीडियोज की बात हो, चाहे वो किसी शो में एज अ प्रेजेंस की बात हो, कुछ भी हो। बेफिक्री में काटे हैगा, लाडला भगत बड़ा भोलेनाथ का, ओ लाडला भगत बड़ा भोलेनाथ का, लाडला भगत बड़ा भोलेनाथ का, लाडला भगत बड़ा भोलेनाथ का, लाडला भगत बड़ा भोलेनाथ का। भोले तेरे ते गुजारिश रखिए मन कदमा में, रख साखू बाबू बेबे अपने मैं बढ़िया ते, रगड़ के नाकद माफी मांगू मैं पापा की, बोले तू भोला जग का माफी दे दे बालकने। पटियाल करे करम सदा चंगे मेरे बाबा, नाम ऊंचा रखे छोरा पूरे परिवार का, जीवन को छोरा बेफिक्री में काटे हैगा, लाडला भगत बड़ा भोलेनाथ का, ओ अवतार यार भूरी नार लंबी कार, सुना चर्चा तो होगा जी यारां की ढाट का, जीवन को छोरा बेफिक्री में काटे हैगा, लाडला भगत बड़ा भोलेनाथ का, 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 लाडला भगत बड़ा भोलेनाथ का। क्रेजी ब्रो, क्रेजी मतलब लिटरली क्रेजी डैम। ठीक है तो भाई अपना तीसरा गाना ख़त्म हो गया, जिस गाने का नाम था लाटला। बाकी चौथे गाने की जो हाउस ऑफ लाइज फीचरिंग करण पाजी के साथ जो ट्रैक है उसका रिएक्शन वीडियो मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ना टाइम स्टैम्प दे दूंगा, तो अगर नहीं मिलेगा तो लिंक भी पड़ा होगा चौथे नंबर का, वो जाके चेकआउट कर लेना। बाकी अब बढ़ते हम अपने पाँचवें ट्रैक के ऊपर, जिस ट्रैक का नाम है भाई शरबत ए मोहब्बत, मतलब क्या ही नाम, शरबत ए मोहब्बत। तो इसका करता है रिएक्शन वीडियो, एंड इसमें कोई फीचरिंग आर्टिस्ट है क्या या नहीं है एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं भाई, सेंजॉय का म्यूजिक है। बाकी रिएक्शन वीडियो इसका स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। शरबत ए मोहब्बत म्यूजिक मैन साउंड, शरबत ए मोहब्बत रात जवान है, मैं भी यहाँ पर हूँ संग तू भी मेरे यहाँ है, लगता है हो ना कोई तो गुनाह है, सांसों में सांसें दोनों की यूरी फना है। यार ये कौन सा साउंड डाल दिया इक्का पाजी ने, मतलब कितना डिफरेंट साउंड कर रहा है यार, एकदम फ्रेश, एकदम न्यू, एकदम चटक भाई। ये है वो इक्का भाई जिसे मैं जानता हूँ, ये है वो इक्का पाजी जिसे मैं जानता हूँ। क्या चटक तोड़ी है बंदे ने भाई, मैं
की कोई ना हो खबर, कोई खबर नहीं। रात की चांदनी ऐसी खिली, हम ना ढूंढे कोई अफजर। ऐसा मजा है दिल की लगी में, हम दोनों ही कोई कहां है, ना मालूम तुझे और ना मालूम बस तुम यहां है। क्या स्ट्रक्चर है भाई, वैसा ही इश्क मुकाम। भाई गाने का क्या स्ट्रक्चर है, क्या पार्ट्स में डिवाइड है भाई ये गाना, मतलब क्या साउंड ब्रो, कंपोजिशन मैन। और यहाँ से फिर कुछ नहीं चीज, मेरी कहानी को मोहब्बत दिया नाम, बस तूने ही सुने इस मोहब्बत की जुबान, वरना ये जो थी मोहब्बत थी मोहब्बत से अंजाम। मोहब्बत 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 की बाहों में आराम, सुकून भरी शाम, आशिक का बस इश्क की मुकाम। मिला तो मिली राहत, ना मिली तो मला, गमों का मर्ज से शरबत मोहब्बत। होठों से बोलो सब आंखों से कहो, मत दूर मुझसे रहो, मत प्यार तो करो ना, शरबत मोहब्बत ग्लास मेरा भरो ना। हम पूरे नहीं तेरे बिन, आसमां का तारों बिन तेरे बिन कहीं दिल नहीं टिकता। मुश्किल बड़ा प्यार की कहानी लिखना, जैसे पानी पे पानी से पानी लिखना। ब्रो ब्रो ब्रो, पानी पे पानी से पानी लिखना, ये सेम लाइन इक्का पाजी ने हसल में भी बोली थी, ठीक है। एक शेर मारा था इक्का पाजी ने, बट यार ये भाई देखो पाजी आजी तो मैं बोलता रहूँगा बाद में, जिंदगी भर पाजी बोला, बट भाई ये इक्का नाम का प्राणी है एक अपने धरती पे इंडिया में दिल्ली से, ठीक है। क्या बंदा है यार ये, मतलब ये कहाँ से आया, ये क्यों आया भाई, मतलब ये बंदा इतना ज़्यादा मेरे को इंस्पायर करता है ना भाई। अब भी रिस्पेक्ट भाई पाजी आजी नहीं बोलूँगा, लेकिन भाई ये क्या बंदा है भाई, क्रेजी। मतलब इक्का पाजी लिटरली अ गॉड, ठीक है तुम बोलोगे अब ओवर रिएक्ट कर रहा, बट भाई म्यूज़िक सुनो, कौन सा आर्टिस्ट है जो ऐसा म्यूज़िक बना रहा है एट दिस टाइम, वो भी इतने मेन स्ट्रीम लेवल पे। प्लीज़ कमेंट में बता दो अगर कोई बना रहा है। रफ्तार पाजी नहीं बना रहे इस टाइम पे, उन्होंने तो म्यूज़िक कब से नहीं बना, उनकी हार्ड ड्राइव शायद आने वाली होगी। बादशाह पाजी के एल्बम में हमने कुछ ऐसा ट्रैक नहीं सुना, मतलब यार सारे गाने चटक है भाई, लाडला देख लो अलग म्यूज़िक है, उर्वशी में काफ़ी अच्छा म्यूज़िक है, शरबत मोहब्बत, हाउस ऑफ लाइज में क्या म्यूज़िक, मतलब अलग ही साउंड है भाई, पूरी एल्बम अलग साउंड कर रही है। और ये बात एग्री कर लो, अगर कोई इक्का पाजी का हेटर है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, अगर जिसे इक्का पाजी पसंद नहीं आई एम रियली सॉरी भाई, बट आई लव इक्का पाजी एंड ही इज़ माई आइडल, तो मैं तो तारीफ करूँगा भाई, ठीक है। स्ट्रेट अप अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो भाई मैं माँ की चूत भाई, इक्का पाजी इज इक्का पाजी। अबे तेरे बिन आसमां का तारों बिन तेरे बिन कहीं दिल नहीं टिकता, मुश्किल बड़ा प्यार की कहानी लिखना, जैसे पानी पे पानी से पानी लिखना। मैं भी यहाँ पर हूँ संग, तू भी मेरे यहाँ है, लगता है हो ना कोई तो गुनाह है, सांसों में सांसें दोनों की हुई फना। भाई फाइनली ट्रैक इज़ ओवर एंड दिस ट्रैक वॉज वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक इन दिस एल्बम, बट इसका विजुअलाइजर मेरे को पसंद नहीं लगा, कहीं से कुछ भी आ रहा भाई अलग अलग चीज़ें, ठीक है भाई। देखो जो जेन्युइन है वो है, बट गाने ने कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, इक्का पाजी नेवर डिसअपॉइंट भाई, लेट्स गो भाई। मज़ा आ गया। वाकई अब बढ़ते अपने छठे गाने की तरफ, जो कि गुरु रंधावा पाजी के साथ है। इस गाने का नाम है हुज डैट गर्ल हुज डैट पोकेमोन इट्स पिकाचू। एंड भाई इसका थंबनेल में जैसा हम देख पा रहे हैं तो इक्का पाजी और गुरु रंधावा पाजी साथ में, और लिखा HD वीडियो, एक सेकंड ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो भाई, विजुअलाइजर है लेकिन हमें आगे इसकी ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो देखने को मिलेगी। अगर साथ में फोटोज़ वगैरह क्लिप है तो मतलब काम मामला शूट हो चुका है, ठीक है। तो अब बढ़ते अपने ट्रैक की तरफ, इसका भी रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। गुलशन कुमार जी एंड टी सीरीज प्रेजेंट, लेट्स गो
इसका क्या साउंड है भाई? वाल काले काले शाह कुड़े तेरी मोरनी जी जाल कुड़े सितारे आंदे थार अदाया कमाल कुड़े तेरा पिपली दा लक कुदरत ने लास्ट टाइम आई डोंट थिंक सो भाई कौन सा गाना था, बट मेरे को इन दोनों का एक ही कोलैब याद है जिस गाने का नाम था तेरे ते क्रेजी कोलैब था यार वो बनाया बेमिसाल लगे ना करीना तो कटरीना तो बॉम्बे शहर पाया बिलो तू तमाल गली दी गली कुड़े मुंडीर मुरे थोड़ा बच के मुटे यार आज का शायर करे तेरे लिए अर्ज अब इश्क है सजा अब इश्क नहीं मर्ज ना चाहिए दिल उसे उसे चाहिए गुची पर्स वैसे लेता पैसे तेरे ऊपर लिखूं फ्री में वर्स सुंदरता से सल क्या दिल उसे चाहिए गुची पर्स वैसे लेता पैसे तेरे ऊपर कमर है आंखें है नशा और बॉडी क्रीम बटर है ब्लश उसके कालों पे तभी गुलाबी असर है वो बॉडी करे टैन क्योंकि आने वाला काले काले शाह कुड़े तेरी मोरनी जी जाल कुड़े सितारे आंदे थार अदाया कमाल कुड़े तेरा पिपली दा लक कुदरत ने बनाया बेमिसाल लगे ना करीना तो कटरीना तो बॉम्बे शहर पाया बिलो तू तमाल गली दी गली कुड़े मुंडीर मुरे अलग वाइब भाई बच के मुटे यार जाएगा इस दिल माधुरी का बम छोरी तेरी चोली करे जंग छोरी तालिबानी हथियार राम स्कैन तेरा तन छोड़ी सेमी ऑटोमेटिक गन छोड़ी चले तो करे मार कम लगे ना करीना से कटरीना यार इक्का फाजी के जो रेफरेंस होता है ना ये वो जिस चीज को किसी भी ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं भाई वो तरीका एकदम डिफरेंट है यार मतलब सच में ही इज यूनिक बॉलीवुड तक चढ़ा है बुखार लेकर आप छोरी थोड़ा संभाल छोरी मेला लूट लेंगे ऐसे कलाकार काले काले शाह कुड़े तेरी मोरनी जी जाल कुड़े सितारे आंदे थार अदाया कमाल कुड़े तेरा पिपली दा लक कुदरत ने बनाया बेमिसाल लगे ना करीना तो कटरीना तो बॉम्बे शहर पाया बिलो तू तमाल गली दी गली कुड़े मुंडीर मुरे थोड़ा बच के मुटे यार एनिमेटेड बाय द इंडियन डूड लेट्स गो भाई और बाकी भाई इस पे रील्स वगैरह बनी और ये मेरे को कुछ फनी दिख रहा है आओ चेक करते भाई भाई मैंने सोचा इक्का पाजी के साउंड पे रील बना रखी है जो कि साउंड भी वही ऐड कर रखा है लेकिन म्यूट करके कोई दूसरा म्यूजिक है ठीक है हाँ चलो भाई फाइनली अपना सिक्स ट्रैक होता खत्म और अब पढ़ते हम अपने सेवंथ ट्रैक के ऊपर जिस ट्रैक का नाम है भाई भारी महफिल भारी नहीं भरी सॉरी भाई डबल ए नहीं है बाद में फिर तो मेरी कमेंट में जी ले लोगे तो भरी महफिल इसका रिएक्शन वीडियो भाई स्टार्ट करेंगे और देखते हैं इस गाने में कैसी वाइब है कोलैब ट्रैक तो नहीं है ओ इस ट्रैक में सुनिधि चौहान है भाई 4 मिनट का गाना है भाई लेट्स गो कुछ नहीं बोलूंगा भाई सिर्फ इंजॉय करेंगे लेट्स गो नींद आप
उसकी रुसवाई, हम अशकों में अपने ही डूबे रहे, ना किनारों से उसने आवाजें लगाई, हम रह रह के कैद अपनी ही सिसकियों में, क्या तू रोने की देता हमको कमाई, आंसू देके फिर से वो सपनों में आए, फिर आंखें खुली और वो खो जाती है, नींद आंखों से उछल सा हो गया, पर वो आराम से कितने सो जाती है। यार टू बी ऑनेस्ट, इस बीट में मैं सुनिधि चौहान को अज्यूम ही नहीं कर पा रहा अब तक, जब तक मैं उन्हें सुनूंगा नहीं अज्यूम कर पा रहा कि वो कैसे स्पिट करेंगे भाई इस बीट पे। भाई तुमको बताना कि क्या हम पे बीते, खुद से तुम पूछो कि क्या कह दिया, शक से न चलती मोहब्बत की सांसें, जाने बिना बेवफा कह दिया, यार एक बात बोलूँ, मेरा ना टाइप ऑफ ड्रीम है कि सुनिधि चौहान का मेरे को लाइव कॉन्सर्ट देखना है, क्योंकि सुनिधि चौहान के अंदर ना बहुत ज़्यादा वो एनर्जी के साथ परफॉर्म करती है भाई ऑन स्टेज, एंड भाई लिटरली उनकी मैं जो क्लिप्स वगैरह देखे भाई, क्या परफॉर्मेंस रहती है उनकी, तो इट्स लाइक अ ड्रीम। शाम याद आता है जब सोचते हैं कर ले दोबारा से मोहब्बत तेरी है, मोहब्बत का अंजाम याद आता है, सकंदे करना पूछ मेरे दर्द की शिद्दत, दर्द तो दर्द कम ज्यादा क्या, दिल पे हाथ रख के खुद से तू पूछ क्या, मैं तुझे याद नहीं आता क्या, सुकून मेरे दिल को जब चलाई जो संभाल लगी वो डायर की, खोखले पे रुके मुरझा से गए, पेड़ को ना मिला जैसे तू प्यार की, रातें मांगती सा मेरी आंखों से, बहुत भारी चढ़ा उसके अल्फाज थे डैम ब्रो, कितना हार्ट हुआ, कोने में हमको देते सुनाई ना आवाज खामोश हो पाती है, नींद आंखों से उछल सा हो गया, पर वो आराम से कितने सो जाती है। फाइनली भाई ये ट्रैक भी होता अपना ख़त्म, एंड अब बढ़ते हैं हम आठवें ट्रैक के ऊपर, और यहाँ से सैज भाई का शायद प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। यस, सैज भाई का से प्रोडक्शन स्टार्ट है। आठवें गाने का नाम है रेस्ट इन पैराडाइज, ठीक है, तो इस गाने को भी रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं भाई, लेट्स गो। Rest in paradise, wo bhi bina mare. Hip hop vibe. Aur fuck the scene, pehle gila kare. Koke mein baat, uske baad hila kare. Ab deals booty ye triple ko mass mein mila kare. Shah, hot feels mein hum phira kare. Baby ka booty shake, meri peeda hare. Garam flow, tikhe bars na pakao. In the kitchen favorite, tera cook dance ko thoda dhima kare. Sabka khatma likho nikalo atma bars nahi ye yatna gale pe manja kaach ka pala tum pishach ka tera favorite rapper la pata tu bachta nahi agar tu pukarta na martha. Nasha Kelly ki khas ka वन माइक बजे नास का सीन का अमिताभ लेके जाऊंगा मांडवा, ये हिटर ना पार पाए बाल हमारी झांट का रिस्पेक्ट, मेरी मॉब गोलू रा हनी बादशाह, मैं हूं रेबल, पार पाए बाल हमारी झांट का रिस्पेक्ट।
मेरी मॉब गोलू रा हनी बादशाह मैं हूं रेबल आई डोंट फक विद द बाउंड्री स्मोकिंग जेस जितने बड़े कैलिफोर्निया पाम ट्रीज पॉलिटिक्स ना करे फिर भी जेब में है गांधी करियर कभी ड्रॉप नहीं होगा जैसे यांधी जीता भारी पड़े तेरी कोर्ट पे इनको वही दूंगा जो मांगा गांधी ने कोर्ट से ये जोकर घर में चले थे साले इक्का का रोल प्ले हसूना जैसे रफ्तार कपिल के शो पे सोच हसूना जैसे रफ्तार हसीना कपिल के शो पे वही ऐसा कुछ हुआ था क्या कि रफ्तार पाजी कपिल के शो पे हंस नहीं रहे थे जोकर घर में चले थे साले इक्का का रोल प्ले हसूना जैसे रफ्तार कपिल के शो पे सोच और पैर की मूंछ ना आगे बढ़ने दे ट्विटर पे करते हेट ये बिना बात सड़ते ये वो ही जो स्कूल में होते बुले लड़कियों से रिजेक्ट दोस्त बस सोशल की बोर्ड पे सिग्मा बनते ये हेट नहीं डिबेट करो एस्केप नहीं सेलिब्रेट करो टैलेंट उसको रेट नहीं खुद के साथ तो रियल रहो करो फरेब नहीं स्टैंड इनको चल के दिखा तू रेड कारपेट पे महंगे से आउटफिट में लंबी सी गाड़ी कीर्ति के साथ ब्रो 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 ये जो इक्का और स्टैंड का जो लव कनेक्शन है ना भाई मतलब एलजीबीटी क्यों नहीं यार एक भाइयों के बीच भी प्यार होता है वो अलग ही दिख रहा है देखा यहाँ पे भी भाई स्टैंड को शाउट आउट ट्रैक तो है ही अलग यहाँ पे भी शाउट आउट भाई स्टैन तो चल के दिखाई ने रेड कारपेट पे यार देखो स्टैन के बहुत ज़्यादा हेटर्स है आई नो बहुत ज़्यादा हेटर्स है बट हेटर्स से ज़्यादा उनके सपोर्टर्स है भाई आज स्टैन कहाँ बैठा है कितना पैसा छाप रहा है किस लेवल का फेम लेके बैठा है तो कुछ तो बात होगी यार जो इतने लोग सपोर्ट कर रहा है फेमस हुआ है ठीक है और रिस्पेक्ट करते बंदे भाई स्टैन की इनको चल के दिखा तू रेड कारपेट पे महंगे से आउटफिट में लंबी सी गाड़ी कीर्ति के साथ पार्टी में हर एक बड़े ब्रांड तक धोनी के साथ ऐड तक और बस्ती से माम सीधा बैंक तक देखा सारे अचीवमेंट्स गिनवा दिए कीर्ति के साथ पार्टी कीर्ति सेनन के साथ माही के साथ धोनी पाजी के साथ जो ऐड आया था फायर बोल्ट वॉच का और उसके बाद भाई डैम पार्टी में हर एक बड़े ब्रांड तक धोनी के साथ ऐड तक और बस्ती से माम सीधा बैंक तक ये डेड सोल एमएनएम ने इंस्पायर की कितनों को इंस्पायर करे रचना ये शायर की पाताल की गहराई सी इस शायर की शायरी कोई राज ना जब बातें करती मैं और मेरी डायरी ये सब ऊंची ऊंची ये सब प्राडा प्राडा बिना नर्क भूगे ये सब नहीं मिल पाता था ऑपरेशन हॉस्पिटल में थे एडमिट मेरे पापा करवाना पाता उस दिन नगर स्टूडियो ना चाहता वैक शिट में फीचर था और पैसा भी आ रहा था माइक पर मजबूरी रखकर होठ में हिला रहा था ये मैं नहीं था हालात मजबूर जो करवा रहा था सपने बेचिक्का जिम्मेदारियां उठा रहा था फक दे आई डोंट नीड नोबडी सिंपथी होती है कहानी डिफरेंट लिखी गई हर विनर की पैसा है जरूरी पर उससे ज्यादा इनर पीस भगवान बातें करे थ्रू माई ईयर पीस जो भी करा वो करा फॉर सर्वाइवल मेरी बाइबल हर हसलर है आइडल शीशे में खड़ा है मेरा राइवल भोलेनाथ का डिसाइपल स्वर्ग रखा गाने का टाइटल भाई गूज बम्प है भाई ऐसे कौन गानों में एकदम से सीन चेंज कर देता है आइडल शीशे में खड़ा है मेरा राइवल शीशे में खड़ा है मेरा राइवल मतलब मैं ही खुद का दुश्मन हूँ मैं ही खुद का कंपटीशन हूँ इट्स मी वर्सेस मी भोलेनाथ का डिसाइपल स्वर्ग रखा गाने का टाइटल Rest in Paradise. R.I.P. भाई क्रेजी यार इक्का पाजी का माइंडसेट और उनकी सोचने की चीज़ है एकदम डिफरेंट बढ़ते अपने 9 ट्रैक के ऊपर जिस गाने का नाम है भाई सिगरेट लेट्स गो कोई कुछ भी सब सिगरेट मेरे होठ पे नारंगी वो फक कान मेरे बंदों के कोई कुछ भी सब सिगरेट मेरे होठ पे नारंगी वो फक किसी का कुछ खाया ना और तू मेरा बाप नहीं ब्रश नो बड़ी हरी घास में सांप कहीं दुश्मन बन के दोस्त है बताते असली नाम नहीं भाई पहले कह रहा हूँ गाने से इंस्पायर होके स्मोक करना बिल्कुल भी स्टार्ट मत कर देना स्टार्ट की बात करो जो फूक रहा भाई वो थोड़ा कम कर दो या बंद कर दो बेटर रहेगा ठीक है ज्ञान नहीं दे रहा बट जो करता नहीं है प्लीज़ वो बिल्कुल भी स्टार्ट मत कर देना जो कर रहे हैं उन्हें करने दो आप मत स्टार्ट करना ठीक है तो प्लीज़ डोंट स्मोक एंड ड्रिंक गाइस चलूं
सिर्फ काटोगे रास्ते परिवार के वास्ते बैठेंगे पूरी करूं अपनी ख्वाहिशों की लाश पे गुस्सेल में जांच कर रखूं काम से काम में कौन बात करना चाहेगा वैसे भी जिंदा लाश से लड़ू मैं हालात से मेरे भी कुछ राज हैं सबके दर्द अलग तू करता अपने एहसास है तू ही तेरा ओ भाई 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 कब बाजी थम जाओ कैच करना मुश्किल है भाई कुछ भी सिगरेट मेरे चलूं काटोगे रास्ते परिवार के वास्ते बैठेंगे पूरी करूं अपनी ख्वाहिशों की लाश पे गुस्सेल में जांच कर रखूं काम से काम में कौन बात करना चाहेगा वैसे भी जिंदा लाश से लड़ू मैं हालात से मेरे भी कुछ राज हैं सबके दर्द अलग तू करता अपने एहसास है तू ही तेरा खास न टेक किसी की आस पे सुहाना सफर पर ये मंजिल शमशान है वक्त विद नोबडी ट्रस्ट नहीं है लड़कियों से बात कम लस्ट नहीं है नहीं करता पार्टी इंटरेस्ट नहीं है मानसिकता मेरी थोड़ी स्वस्थ नहीं है एंजाइटी अब इस पर कष्ट नहीं है मुश्किल लगे ना संघर्ष नहीं है जीना मजबूरी कर्ज नहीं है अकेला ही सही कोई दर्द नहीं है कोई कुछ भी सिगरेट मेरे क्या आर्ट है यार इस बंदे के पास ये बंदा गॉड गिफ्टेड है मतलब जो जो ट्रैक नया सुन रहा हूँ ना वो ट्रैक मेरे को नया लग रहा है भाई कि कुछ नया सुन लिया मैंने इंडस्ट्री में ऐसा इससे पहले बिल्कुल भी नहीं सुना खौफ कम अकेले हम किसी के बिजलते न झेले हम यकीन नहीं गिन कर लेते धन किसी का भी कर्ज नहीं माँ कसम मिला नहीं छीन कर लेते हक ये डाकुओं के हाथ हैं और इस दुनिया पर आई में जिसने बनाया उस भोले का साथ है जिससे बने नहीं उसे बनाते नहीं भाइयों को पीट कभी दिखाते नहीं जीते तो हम भी पर हार झुटलाते नहीं सिगरेट सुलगाते हैं कान सुलगाते नहीं माया किसी की नहीं वो मुसाफिर ये दुनिया चालू तो मैं भी शातिर जुबान यहाँ पे देखो कैसे एकदम से फ्लो चेंज हुआ प्लीज चेक बने नहीं उसे बनाते नहीं भाइयों को पीट कभी दिखाते नहीं जीते तो हम भी पर हार झुटलाते नहीं सिगरेट सुलगाते हैं कान सुलगाते नहीं माया किसी की नहीं वो मुसाफिर ये दुनिया चालू तो मैं भी शातिर जुबानियतों से फाके किस तरीके से फ्लो चेंज हुआ भाई वो तक पता नहीं लगा क्या ब्लेंड है मैं सबसे अलग हूँ मुझे बोलो काफिर कान मेरे बंद होंगे कोई कुछ भी सा सिगरेट मेरे होठों पे नारंगी वफा कान मेरे बंद होंगे कोई कुछ भी सा सिगरेट मेरे होठों पे नारंगी वफा किसी का कुछ खाया ना और तू मेरा बाप नहीं प्रश्न बड़ी हरी घास में साफ कहीं दुश्मन बन के दोस्त बताते असली नाम नहीं मुझको ये अकेला बने काफी इट्स इनफ कान मेरे बंद होंगे कोई कुछ भी साथ सिगरेट मेरे होठों पे नारंगी वफा कान मेरे बंद होंगे कोई कुछ भी साथ सिगरेट मेरे होठों पे नारंगी वफा Crazy. Visuals by CG Dawn भाई let's go ये बंदा crazy है ठीक है भाई मजा आ रहा भाई पूरी एल्बम खत्म होने पे आई लेकिन मन नहीं भरा भाई दसवें ट्रैक का नाम था जग्गाजट जिसका भी ऑलरेडी रिएक्शन मैंने अभी रिसेंटली करा जाके चेकआउट कर लेना लिंक इन द डिस्क्रिप्शन तो अब बढ़ते भाई अपना लास्ट ट्रैक एल्बम की जिस गाने का नाम है ओम गाने के नाम में ये पीस है लेकिन इस गाने में रावल है तो कुछ हमें बहुत गलत चीज़ देखने को मिल सकती है गलत इन द सेंस कुछ चटकी चीज़ ठीक है क्योंकि गाने का नाम ओम है तो ऑफकोर्स कुछ गाली वगैरह तो नहीं होगी बाकी अब देखते हैं भाई क्या सीन रहता क्या नहीं तो उसके रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं राइट नाउ साउंड मन को कर दे खाली दुखों को तू त्याग दे इस गाने की वाइब सुन के मेरे को एमसी हिम की याद आने लग गई आई डोंट नो व्हाई बट एमसी हिम की याद आ रही है ठीक है लाइक हसल में उन्होंने एक ट्रैक परफॉर्म किया था ना हर जगह होगा ये जिक्र लड़का बेफिक्र कुछ ऐसी लाइंस थी मतलब टाइप ऑफ साउंड यार मन को कर दे खाली yeah. दुखों को तू त्याग दे जो हो गया वो भूल जा बस एक लंबी सांस उच्चार कर भाई जैसे बोला ना भाई पता कैसी फील आई लाइक वो मीम वायरल नहीं हो रहा डॉक्टर चेंज वाला मतलब वायरल नहीं ऑलरेडी फेमस है जो ऐसे डॉक्टर चेंज को ऐसे पढ़ता है देन वो किसी और किसी और डायमेंशन में चल जाता भाई लाइक एकदम वैसा फील यार उच्चार कर ओम
खुद बना खुद का रास्ता, ना कि बन कोई पत्थर जो रास्ता दूसरों का रोक के खड़ा। इन दोनों बातों में है कहीं अंतर, जो हो गया वो। ठीक है भाई, कपाजी ने बोले इन दोनों बातों में अंतर, तो आओ इस अंतर को समझते हैं। तू पानी जैसा बन खुद बना खुद का रास्ता, ओके, ना कि बन कोई पत्थर जो रास्ता दूसरों का रोक के खड़ा। ठीक है, तू पानी बन जो पानी खुद अपना रास्ता ढूंढ लेता, क्योंकि हम पानी को घेरेंगे और खुद ही बना लेगा अपना रास्ता, चाहे मिट्टी हो, क्योंकि हमें पता है भाई पानी ने कितनी जगह को बर्बाद किया है। ठीक है, तो पानी का लेवल डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम नॉर्मल पानी डालेंगे तो खुद अपना रास्ता बना के बह जाएगा। ठीक है, लेकिन उस पत्थर के जैसा मत बन जो दूसरों का रास्ता रोक के खड़ा, लाइक बड़ी चट्टान या फिर किसी के रास्ते के आगे आ जाना, कुचल जाना, किसी का रास्ता रोक देना। इन दोनों बातों में है कहीं अंतर, जो हो गया वो हो चुका, भूल सब जो होगा अब, आने वाले पलों पे तू ध्यान दे। उजाले में तो कितने गए मिलेंगे, उसको तलाश जो अंधेरे में भी साथ दे। जो थे मन से सुंदर वो जानते नहीं नफरत, हर चीज के लिए जी, किसी चीज के लिए मर मत। एहसास कर, सांसे ले, खास कर, चेहरे तू उदास पर लगा, खुशी का मरम सब भरम। तू सबको एक देखना कि धर्म चार देख, अच्छे आचरण अच्छे विचार देख, तू विचार नकारात्मक अपने दूर रख। यार कितना पॉजिटिव वाइब फैला रहा भाई ये गाना, मतलब ये बना ही उस परफेक्ट पर्सपेक्टिव से भाई, मतलब डैम, ये तो पूरी एल्बम का भाई मेरा फेवरेट ट्रैक बन गया है। कारात्मक विचारों के फिर चमत्कार दे, कभी आगे पीछे कभी धूप छांव, ये तो चलता रहता जिंदगी का ये दस्तूर, पर उन चीजों के लिए जिनमें नहीं था तेरा हाथ, तू करते खुद को माफ, इसमें तेरा नहीं कसूर, और बाकी गलतियों का तेरा जो भी था उधार, उसमें लेके आ सुधार, ऐसा रख ले तू असूल, लंबी सांस ले, लग जा खुद को ढूंढने की तलाश में, अपने मन का सच कर ले तू कबूल, चीजों के लिए रो मत जो कि नहीं है तेरे पास, अब भारी हो जा उनके लिए जो भी तेरे खास। कुछ लोग त्याग देते हैं यहाँ पे पैसे के लिए प्यार, और जो दिल से अमीर उसे देते सब मिसाल, मुझे कुकर्म का कंधों पे अब नहीं चाहिए भार, मुझे खुल के है जीना, मुझे देना सबको प्यार, बेचैनी का है दौड़ जो कि दिल पे करे वार, तो हम हाथ जोड़े साथ और फिर करते हैं हम उपचार। आई एम शॉक्ड भाई, डोंट वेस्ट योर टाइम इन एंगर, रिग्रेट्स, वरीज एंड ग्रजेस, लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी हैप्पी, टू बी अनहैप्पी। ओके, पूछ रहा हूँ भाई, फाइनली होती है हमारी एल्बम एंड। और भाई इस गाने ने मेरे को सच में किसी नो वर्ड्स क्या ही आर्ट बना भाई इस गाने ने, तो मतलब मेरा पूरा मूड सीन भाई, कभी भी डिप्रेशन एंजाइटी से जूझ रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, जस्ट प्ले दिस सॉन्ग भाई, मतलब पूरा रिलैक्स माइंड एकदम पॉजिटिविटी के साथ भाई, और चैंट करने बोल रहे भाई कवाजी की उपचार कर ओम हरि ओम, क्योंकि हमें पता है भाई जब हम ओम का उपचार करते हैं तो हमारा मन काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है, संतुलित हो जाता है, और अगर वो हम एक गाने के ज़रिए करेंगे वो भी इतने सूथिंग गाने के साथ, इतनी प्यारी बीट, इतने प्यारे बोल, इतने प्यारे लेसन जो हमें दिए जा रहे हैं भाई, कौन सोचता है ऐसा कौन सोचता है कि मैं एक एल्बम बनाऊँगा उसमें ऐसे गानों के साथ मैं एक बीच में गाना ऐसा ठूस दूंगा कि वो गाना सबको किसी और डायमेंशन में पहुंचा के एकदम शांति रिलैक्स फील करवा देगा।
आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो, बट भाई क्रेजी, फुल एल्बम इज क्रेजी। बट एक चीज़ की मिसिंग है कि इक्का पाची के इस एल्बम में हमें एक भी गैंगस्टर टाइप का ट्रैक थोड़ा देखने को नहीं मिला, लाइक दिल्ली वाली फिल्म, ठीक है। लाइक जैसे लास्ट एल्बम में हमें इशू देखने को मिला था ट्रैक, ठीक है, जिसमें थोड़ी दिल्ली वाई वाई थी, बाकी इस गाने में हमें इस एल्बम में नहीं देखने मिला। एंड भाई ट्रस्ट मी, दिस एल्बम इज़ गोना बी क्रेजी। आई डोंट नो नंबर्स कितना है, नंबर ना है, बट हम एज एन आर्ट जज करेंगे नंबर से नहीं भाई, ठीक है, क्योंकि नंबर्स तो आजकल किसी भी छपरी के बढ़ रहे हैं। स्टैंड को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मतलब जो आजकल जो क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह आ रहे हैं, सारे नंबर्स उनके पास भर भर के, बट व्हाट एन आर्ट ब्रो, व्हाट एन आर्ट भाई, लेजेंड, इक्का इज़ अ लेजेंड ब्रो, ट्रस्ट मी। बाकी आप बता देना आपको मेरी फुल रिएक्शन वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में। टाइम लैप्स टाइम स्टैम्प अगर कोई दे सकता है मेरे को भाई कमेंट सेक्शन में, तो प्लीज़ हेल्प कर देना प्लीज़। और जो जिसने लास्ट एक वीडियो देखी प्लीज़ वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, बहुत अच्छा लगता है अगर तुम मेरी फुल वीडियो देखते हो तो। बाकी यस भाई, इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया, इस वीडियो के लिए तक गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।